सवी सई के रूम में आती है। आज जो सब उसने देखा और सुना है उसे उसके मन में भी बहुत बड़ा घाव पैदा तो हुआ है, पर उसे पता है कि इस वक्त अगर कोई सबसे ज़्यादा अहमियत रखता है उसके जीवन में तो वो सिर्फ और सिर्फ सही है। पर आज सवी बहुत दुखी है। क्या हो गया रजत को? इतनी घटिया हरकत, इतना बुरा बर्ताव। रजत तो सही के आने पर बहुत खुश थी। जब सही आई थी तब बहुत खुश थी, उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। यस मैम, बच्चों को अपने पेरेंट्स के साथ मिलकर ये ड्रीम हाउस बनाना है, यही प्रोजेक्ट है ना? ओके। अब नहीं जल्दी कैसे बनेगा? मैं बनाऊंगा अपनी बेटी का ड्रीम हाउस। खटखट ठक्कर को क्या हो गया? इतने अच्छे मूड में तो पहले कभी नहीं। कुछ कहा तुमने? कुछ सुना आपने? मैं तुम्हारी तरह मन की आवाज नहीं सुन सकता। मैंने भी कुछ नहीं कहा। वैसे आर यू श्योर आप ये ड्रीम हाउस बना पाओगे? यस आई एम श्योर। इसमें मेहनत लगती है, आर्ट एंड क्राफ्ट का बहुत सारा सामान लेकर आना पड़ता है। जन्माष्टमी भी है, कल दही हंडी भी है। वक्त है आपके पास ये सब करने का? ड्रीम हाउस बनाने के लिए बाजार से सामान लाने की जरूरत नहीं होती, प्यार की जरूरत होती। और मैं अपनी बेटी से बहुत प्यार करता हूँ, और मेहनत तो मैं कर सकता हूँ, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं। मैं बनाऊंगा अपनी बेटी के लिए उसका फेवरेट ड्रीम हाउस। स्कूल में जाकर जब दिखाएगी ना और बोलेगी कि देखो मेरे पापा ने बनाया, सारे बच्चे जेलिस फील करेंगे, ऐसा ड्रीम हाउस बनाऊंगा। और अब सभी वो पल और उस रजत को याद करती है जिसमें दिन रात का अंतर है। कहां गया वो रजत जिसे वो जानती थी? क्या ऐसा ही तो नहीं था वो हमेशा, इतना शराबी और गुस्से वाला? और अब एकाएक याद करती है वो समय जब रजत पूरी शिद्दत के साथ बनाने बैठा था सवी के लिए ड्रीम हाउस। एक एक बारीकी को वो खुद संजोया था, पूरी जिम्मेदारी के साथ अपनी बेटी के लिए उसके हिसाब का घर तैयार कर रहा था। कटिंग, पेस्टिंग और कलर्स तक को ध्यान में रखा था रजत, और कैसे डूबा था अपने इस काम में। कितना प्राउड था वो सई के खातिर, सई के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार था। ये तो बहुत ही सुंदर ड्रीम हाउस लग रहा है। मेरी बेटी का ड्रीम हाउस है, सुंदर तो हो गई। लेकिन इतने सारे कमरे हैं इसमें। और नहीं तो क्या, सई की जरूरत और पसंद के लिए इतने सारे कमरे, उसकी पसंद और जरूरत के लिए हर सामान इन कमरों में होगा। ये देखो, ये है सई का प्ले रूम, यहाँ पर मेरी बच्ची खेलेगी, उसके सारे टॉयज यहाँ पर होंगे। और ये है सई का स्टडी रूम, यहाँ पर देखेगी वो खूब सारे सपने, पढ़ाई करेगी, और जब पढ़ाई करके थक जाएगी ना तो ये होगा उसका बेडरूम। ये सही के आराम के लिए एक बड़ा सा टीवी लगाऊंगा, उसमें कार्टून देखेगी, और फिर बाद में अच्छी अच्छी फिल्म्स। यहां होगा इन्फिनिटी पूल बड़ा सा, उसे अपना स्विमिंग पूल सोसाइटी के बच्चों के साथ शेयर नहीं करना पड़ेगा। जानता हूं सोसाइटी के बच्चे पता है ना पूल में क्या करते हैं। तो बस थोड़ी बड़ी हो जाए फिर उसको मैं स्विमिंग सिखाऊंगा, अपने साथ ले जा। इम्पोर्टेंट लाइफ स्किल है तो मैं तो नहीं आता होगा, खैर कोई नहीं। वैसे ये सई का ड्रीम हाउस कम आपका ड्रीम हाउस ज्यादा लग रहा है। आ तो सई के लिए उसका ये ड्रीम हाउस उसके पापा ही बनवाएंगे, उसकी जरूरत का हर सामान यहाँ पर होगा, वो जो चाहेगी जैसा चाहेगी। और प्यार? और अब एकाएक सवी के सवाल पर रजत कुछ नहीं बोल पाता,
बस दोनों एक दूसरे को देखते रह जाते हैं, क्योंकि दोनों को ही पता होगा कि सिर्फ मंजिले से नहीं बनती घर, दीवारें घर नहीं कहलाते, घर में तो परिवार के बीच प्यार होना जरूरी होता है। तो क्या रजत दे पाएगा प्यार भी सई को, जिसकी वो भूखी है? मेरा मतलब है कि अगर उसे बाकी किसी चीज की जरूरत है तो वो है प्यार की, अपने परिवार के प्यार की, अपने पापा के प्यार की। मेरी बेटी मेरी जान है, मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी, मतलब कुछ भी। मैं जानता हूँ कि कई बार मैं अपने इमोशन जाहिर नहीं कर पाता, उसे ही बता नहीं पाता हूँ कि मैं उससे कितना प्यार करता हूँ, लेकिन जब वो यहाँ पर नहीं थी, अर्श के घर में थी, तो हर दिन रोती, बस यही प्रे करता था कि वो वापस आ जाए, उसे एक बार गले से लगा लूं, उसे बस देख लूं। मैं जानता हूं कि मैं किसी भी एंगल से आइडियल फादर नहीं हूं, तुम्हें लगता है कि तुम्हें जो भी लगता है उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। अब सही घर में वापस आ गई है, मैं रोज कोशिश करूंगा उसके चेहरे पर स्माइल लाने के लिए, उसे खुश करने के लिए, और फिर चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। और अब ये सब बातें सुनकर सवी को भी ठंडक पहुंचती है, कम से कम रजत अब तो सई के लिए इतना सोचने लगा है। ये रही मेरी बच्ची अपने ड्रीम हाउस में, और ये रहा मैं अपनी बेटी के साथ, हम दोनों अपने कमरे में हमेशा खुश रहेंगे। मैं कहूं आपको एक बात क्लियर कर देती हूँ, मैं जितने चाहे उतने ड्रीम हाउस बना लो, आप सही मेरे बिना कहीं नहीं जाएगी। तुम ना मेरे सर पे बैठ जाओ क्या, मुझे पता है शादी की है तुमसे, तो तुम्हें भी रखना ही पड़ेगा। ये रही तुम। यस। अच्छी लग रही है। खुश? अच्छा लग रहा है ड्रीम हाउस। एक काम करता हूँ, मैं सई को दिखा कर आता हूँ। नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं, अभी बहुत लेट हो गया, वो अपनी दादी के साथ सो रही है। हाँ तो सो रही होगी, मैं भी एक्साइटमेंट में भूल ही गया, संभाल के रख देता हूँ, बाद में दिखा दूंगा। हाँ अच्छा तो लग रहा है ना? बहुत अच्छा लग रहा है। कलर चेंज कर दूंगा भाई? नहीं नहीं नहीं, नहीं। पक्का? रजत को इतना खुश मैंने पहले कभी नहीं देखा। सई के आ जाने से इनका पत्थर जैसा दिल बर्फ की तरह पिघलने लगा है। उम्मीद है अपने पापा का ये प्यार पाके मेरी बच्ची को इतनी खुशियां मिले जिसकी वो हकदार है। और अब सवी देखती है सोती हुई सई को। क्या जो वो सोचती है वैसा कभी नहीं होगा सई के साथ, क्योंकि रजत ठक्कर तो कभी भी यू टर्न ले लेता है रिश्तों में। इतनी प्यारी बच्चे के साथ ही ऐसे बर्ताव कैसे कर सकते हैं? क्या हो गया है उन्हें? रजत तो सही के आने पर खुश थे, उसके लिए उसका ड्रीम हाउस बना रहे थे, फिर अचानक क्या हुआ? उनकी आंखों में जो मैंने सही के लिए प्यार देखा था वो झूठ तो नहीं था। कुछ तो है, रजत क्यों ऐसा बिहेव कर रहे हैं? कोई बात है जो वो मुझसे छुपा रहे हैं, लेकिन मैं पता लगा के रहूंगी। और आज की रात सवी अपने आप से भी एक प्रण लेती है कि वो ऐसे ही नहीं जाने देगी हर बात को। सई के खातिर रजत के दिल और दिमाग में क्या कुछ चल रहा है वो पता करके ही रहेगी। अब आगे देखना ना भूलिएगा कि सवी आखिरकार क्या करेगी सच उगलवाने के लिए रजत से। यही कंप्लीट बॉलीवुड पर बने रहिए, जहां हम आप तक लेकर आते हैं वो में किसी के प्यार में की सारी अपडेट्स। बने रहिए और देखते रहिए।